ब्लूटूथ में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आपके ब्लूटूथ को कोई भी मिसयूज कर लेता है, जैसे कि आपके डेटा को एक्सेस करना, आपके इंटरनेट को एक्सेस कर लेना, या फिर किसी भी तरह का फाइल को ट्रांसफ़र करना, तो वह ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके उसको ऑन करके वो एक्सेस कर लेता है और आपके इंटरनेट को जो है यूज़ कर लेता है। तो आप जो है आज लगा सकते हैं अपने ब्लूटूथ में पासवर्ड। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो के बीच में स्किप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स इसमें जो है आपको ऊपर नीचे करना है, तो एंड तक जरूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उस एप्लीकेशन आपको काफ़ी सेटिंग करना होगा। अगर आप ऐसे ही करते हैं इंस्टॉल, तो आप उसको जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेगा, बाद में आप हमको बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको करना है सिंपल सा ऐप लॉक मास्टर को सर्च करना है, और इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं ग्रीन कलर का इसका जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका लोगो। तो आपको इसको कर लेना डाउनलोड, 1 मिलियन इसका डाउनलोड है, 4 MB की जो एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपल सा इस एप्लीकेशन को करना होगा ओपन। इस एप्लीकेशन को देख मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। आपको इसको डाउनलोड करना बस करना है ओपन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले आपको एक पासवर्ड मांगेगा, जहाँ पे आप इसको पैटर्न डाल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है पिन भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पिन डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे पैटर्न भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे पिन डालना है। उसके बाद सिंपल सा आपको जो है पे नेक्स्ट कर देना है क्लिक, 1 2 3 4 यहाँ पे करना है। उसके बाद सिंपल सा आपको ये अलाउ मांगेगा आपके कॉन्टेक्ट का, तो आप कॉन्टेक्ट का अलाउ नहीं बल्कि इसको डिनाई कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेव पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे चाहे तो आप अपना एक रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं, जिससे होगा क्या कि गाइस आप जब अपना पासवर्ड भूल गए तो आप उसको ईमेल के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आपको करना क्या होगा, सिंपल से इधर पर करना है क्लिक, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको किसी को नहीं जो है ऑन करना है। आपको सिंपल से यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ब्लूटूथ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे आप क्लिक करना है तो आपको 2 परमिशंस को यहाँ पे अलाउ करना है। सबसे पहला परमिशन पर आपको परमिट पर करना है क्लिक, और यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है, सिंपल से आपको ऐप लॉक मास्टर जो है एप्लीकेशन है इसको जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। आपको इसको जो है करना है क्लिक, और यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। ऐप कुछ वार्निंग देगा तो आप इसको पढ़ लीजिए और इसको अलाउ कर लीजिए, तभी एप्लीकेशन ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो इतना आपको रिस्क लेना होगा गाइस, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना होगा। उसके बाद सिंपल से आपको बैक करना है, और बैक करने के बाद आपको जो है सिंपल सा फिर से पासवर्ड मांगा तो आपको पासवर्ड दे देना है, या फिर फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे फिर से एक बार इसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दूसरा परमिट जो है आपको दे देना है। उसके बाद सिंपल सा इसको भी अलाउ कर देना है, और बैक कर देना है, और यहाँ पे फिर से पासवर्ड को एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपल सा बैक आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से एक बार और क्लिक करेंगे जैसे, तो ये जो है लॉक हो चुका है। तो यहाँ तक लॉक हो जाने के बाद यह एप्लीकेशन अभी भी वर्क नहीं करेगा। तो ये वर्क करेगा कैसे, तो चलिए देखते हैं गाइस। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को कर देना होगा क्लोज। इस एप्लीकेशन को जैसे क्लोज करेंगे उसके बाद यहाँ पे बैक पर आएंगे, और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ पे जो है ऐप इन्फो में समझाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट का एक बटन देखने को मिलेगा, आपको इसको कर देना होगा ऑन। ऑटो स्टार्ट का बटन को कर दीजिएगा ऑन। उसके बाद ऑटो स्टार्ट के बटन को ऑन कर देने के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, अब ब्लूटूथ आपका प्रोटेक्टेड है। तो आप जब भी यहाँ पे ब्लूटूथ को बंद करेंगे तो देख सकते हैं गाइस, अब यहाँ पे आ चुका है पासपोर्ट मांग रहा है, या फिर फिंगरप्रिंट मांग रहा है। आपको जब तक पासपोर्ट यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे तो आपका ब्लूटूथ आप देख सकते हैं ऑफ हो चुका है मेरा ब्लूटूथ। और यहाँ पे जैसे मैं फिर से क्लिक करूँगा यहाँ पे ब्लूटूथ पर अपने, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो फिर से जो है पासपोर्ट मांगेगा, बिना पासपोर्ट के ये ऑन नहीं होगा। अब आप सोचते होंगे गाइस कि यहाँ पर जो है इस ऐप को कोई अनइंस्टॉल कर देगा, तो इसके लिए आपको करना क्या, सिंपल सा इस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपल सा आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपल सा जाना है यहाँ पे आपको ऐप्स में, ऐप्स में जाना है, और आपको खोजना है ऐप लॉक, मोबाइल का जो सिस्टम ऐप लॉक होता है आपको उसको खोजना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हिडन ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आप उस जो है एप्लीकेशन को यहाँ से उसको आप हाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को खोज लीजिए कि किधर, देख सकते हैं यहाँ पे है ऐप लॉक मास्टर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये एप्लीकेशन यहाँ पे से हाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन अब हाइड भी हो चुका है। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे ऑन करते हैं,
जैसे ऑन करेंगे तो ऑन करते ही फिर से जब पासपोर्ट जो है मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पासपोर्ट को आपको इंटर करेंगे तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। और जब फिर ऑफ करना होगा तो फिर से आपको पासपोर्ट को डालना होगा, उसके बाद ही आपका जो है ब्लूटूथ ऑफ होगा। तो है ना कमर का ट्रिक, और इस ट्रिक को गाइस आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी क्या कर सकते हैं ब्लूटूथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने इंटरनेट डेटा को बचा सकते हैं काफ़ी ईजी। तो उम्मीद है गाइस आज का आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का दिन सुबह। जय हिंद, जय भारत।